हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको हरे प्याज का रायता सिखाने जा रहे हैं। हरे प्याज का रायता बनाने बहुत ही आसान है। जो मेरे फ्रेंड्स हरे प्याज पसंद करते हैं या प्याज पसंद करते हैं, उनको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। देखिए, इसके लिए लिया है मैंने 2 कटोरी ताज़ा दही। थोड़े से हरे प्याज मैंने अच्छे से धो के बारीक बारीक कट कर लिए हैं। एक हरी मिर्च मैंने धो के रखी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। देखिए, दही अच्छे से फिटने को आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, दही बिल्कुल तैयार है। अब हम हरे प्याज को तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब हम घी गर्म होने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे और अब हम इसमें हरे प्याज भी डाल देंगे। इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज भुनने लग गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा काला नमक। ये भी सभी किराना स्टोर पे इजी गोइंग में मिल जाता है। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हरे प्याज का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने दही फेंट के रखा हुआ है, हम उसमें प्याज के मसाले को मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने इसको दही में मिक्स कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हरे प्याज का रायता बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। आइए सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज का रायता बिल्कुल तैयार है, हमने सर्व भी कर दिया है। अब आप इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी हरे प्याज की रायते की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।